Vai, entra aí, porque senão é tu, entra. और मेरे साथ सब व्यापार मंडल प्रेजिडेंट खड़े हुए हैं, तो उसको मैं
ये बोलूँगा कि जो आज जो यहाँ पे पूंछ में मेन बाज़ार में जो वारदात हुई, जिस तरह से जो आग लगी दुकान पे, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लोगों का गलत रोल है। जो यहाँ पे रास्ते में जो गाड़ी लगा देते हैं, जो मतलब अपनी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, उनको चाहिए कि अगर गाड़ी लेनी है तो कहीं पार्किंग की व्यवस्था करें। उसके अलावा एक बार बताऊँगा, कोई भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उनको चाहिए कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उस हिसाब से करेंगे, कहीं लोगों को दिक्कत। आज यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने को दिक्कत हो, फायर ब्रिगेड ने काम अच्छा किया, हम नहीं कहेंगे फायर ब्रिगेड ने बुरा किया, लेकिन वो अपने फायदे के लिए किसी का अच्छा नहीं सोचते। ये चीज़ होती है, अगर आप घर में अपने घर का काम लगा रहे हैं, आप अपने घर का काम कर रहे हैं तो ठीक है करें, लेकिन ऐसा काम करेंगे जब रोड साफ भी करें साथ साथ। वो ऐसा करेंगे यहाँ पे बजरी लेटा डाल रहे रोड में, उसके बाद फायर ब्रिगेड को आने को दिक्कत हो रही। आज दिन में एक इंसिडेंट हुआ वार्ड नंबर 1 काजीपुरा में, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जाने में बड़ी दिक्कत हुई। किस लिए? एक दुकान जो है वो रास्ते में बनी हुई थी, उसकी वजह से उसका जो छज्जा था वो बाहर था, जिसकी वजह से गाड़ी को कितना टाइम लगा, जिनकी वजह से फायर ब्रिगेड की देरी से उन घर में नुकसान जो ज़्यादा हो गया। तो मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा पूंछ वासियों से कि कभी ना कभी अपनी इंसानियत को सोच के, अपने फायदे को छोड़ के कहीं दूसरे का फायदा जरूर सोचें। देखें जिस तरह से आज इस भाई का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान बाद में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जो प्रधान है यहाँ गोपाल मंडल के, उनसे भी कहूँगा कि आप भी अपनी मार्केट के जो लोग हैं उनसे कहें कि अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान मत सोचें। मैं आपके माध्यम से बैंड फोर्स और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हमारे बैंड फोर्स के जो भाई हमारे वो टाइम से नहीं पहुँचते तो आज करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता मार्केट में। ये जो मार्केट है अभी इस मेरे भाई ने अभी 2-3 महीने पहले ही दुकान अभी इसको नहीं बनाई है। मेरे भाई से ये अरदास करूँगा कि बैंड फोर्स को या जो फाइव गेट की गाड़ियाँ टाइम से ना पहुँचती तो आज मैं समझता हूँ कि पुंछ की जो एक दुकान नहीं है पूरा बाजार चल जाता। सर मैं यही कहूँगा कि आज देखो मार्केट में जिस दुकान के बाहर देखो बजरी रेत पड़ी हुई है, ये गाड़ियाँ को इतनी परेशानी है, यहाँ पहुँचते पहुँचे इनको 15-20 मिनट लगे हैं। मैं यही कहूँगा कि बाजार के जितने हमारे भाई हैं वो कोशिश करें कि गाड़ी अपनी मार्केट में ना खड़ी करें फोर व्हीलर, और ना ही रेता बजरी अपने मार्केट में चढ़ाएं, क्योंकि गाड़ियों को आने आने में 10 मिनट लगे। फिर मैं शुक्रिया करता हूँ भाई गाड़ियों का जो टाइम से यहाँ पहुँच कर हमारे जो भाई हैं आग का सामना करना पड़ा।